तिगुनिया में हुई हिंसा के बीच चोखड़ा फार्म निवासी युवक की मौत से परिजनों में आक्रोश दिखाई दिया। यह आक्रोश उस वक्त और बढ़ गया जब परिजनों को यह पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीट पीट कर मारने का खुलासा हुआ है। नाराज परिजनों ने शव का दाह संस्कार के लिए मना कर दिया। परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम न कराए जाने की घोषणा के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर परिजनों से शव के अंतिम संस्कार करने की बात कही, परंतु परिजन मानने को तैयार नहीं हुए। गौरतलब है कि जिले के चोखड़ा फार्म निवासी किसान लवप्रीत सिंह का शव पोस्टमार्टम के बाद शाम को उसके घर पहुंच गया था। मंगलवार सुबह 10 बजे उसका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पता चला तो किसानों में गुस्सा भड़क उठा। किसानों का आरोप है कि नानपारा बराइच के किसान गुरविंदर सिंह की मौत गोली लगने से हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने का जिक्र भी नहीं किया गया। किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे अमित मिश्रा को बचाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती की गई है। अब किसानों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, कहा कि जब तक सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। किसानों का आरोप है कि गुरविंदर सिंह को गोली भी लगी थी, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने नहीं आई। इस कारण से किसानों को लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है। बाद में प्रशासन ने किसान नेता राकेश टिकैत को मौके पर बुलाया और किसी तरह किसानों को समझा बुझाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। आदमी का रोकेगा, ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है और इनके परिवार का सब लोगों का ये निर्णय लिया है। परिवार वाले नहीं चाहते, सब लोगों ने कहा कि नहीं आप अंतिम संस्कार करो, जो तीन लोग हैं उनका अंतिम संस्कार होगा। सरकार को अवगत करवा दिया, अधिकारी को करवा दिया। जो एक है जिसका गोली लगी हुई है, जो गांव वालों ने बताया है, उसका रीपोस्टमार्टम होगा। हम यहाँ के बाद में वहीं हम जाएंगे, ये हमारा निर्णय है और पूरा संयुक्त मोर्चे का सभी लोगों का ये निर्णय है कि जो तीन है इनका दाह संस्कार होगा और एक का अभी नहीं होगा। और हम फिर सब लोग जो भी लोग वहाँ चल सकते होंगे सब लोग वहाँ पे जाएंगे। हम एक ही जगह पूरा पॉइंट हम नानपारा में वहाँ पे बनाएंगे। क्या आपको लगता है लापरवाही हुई? जो दर्शक है, देखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये बताया है कि उसको गोली मारी है और उसमें गोली आई नहीं है, तो इसका री पोस्टमार्टम होगा, री पीएम होगा। और हमने जो डिमांड करी है वो बाहर की करी है, एम्स हॉस्पिटल की करी है, ये अधिकारियों को सबको बता दिया। है जी, पोस्टमार्टम होगा, एम्स में होगा। अभी अधिकारी साहब ने कहा है कि आप उनके तैयारी करो और परिवार और सब लोग एम्स में जाते हैं। अगर रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, ये जो रिपोर्ट अभी दी गई है, तो क्या कार्रवाई उसकी वो हो रहा है ना, रीपीएम हो रहा है, दोबारा हो रहा है, वो तो होगी बात, तो कुछ नहीं, वो शाम तक ट्रांसफर हो जाएगी, शाम या कल। इसका संस्कार करेंगे, हम भी आपकी लड़ाई एक थान जाएंगे, भी एक थान हो जाएगा, हमारा संघर्ष चलेगा। गोली चली है, डॉक्टर ने गोली की नहीं उसका दीती, पोस्टमार्टम में गोली चली है, हम उसके संघर्ष लड़ेंगे। कैसे पोस्टमार्टम कराना, हमारे दूसरे सारे लीडर आ जाएंगे, उतरे रहेंगे। गिरफ्तारी कब तक होगी जो दोषी है, जिसने गोली चलाई है या जिसने गाड़ी